हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव गेजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक एन एंजल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। एंड ऑफ कोर्स 2023 में आप लोगों को क्या कुछ करना है ये रेजोल्यूशन भी ले चुके होंगे। तो जो भी भाई आपकी टू डू लिस्ट हो, जो भी कुछ आप चाहते हो करना, नीचे कॉमेंट्स में हम लोग के साथ भी शेयर करिएगा ताकि मुझे भी पता चले एंड और लोगों को भी पता चले कि क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी लोग मोटिवेट हों एंड यू नो आपको भी थोड़ी एक इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। ओके, सो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि परमात्मा का आपके लिए दिव्य संदेश क्या है। अगर आप लोग यू नो करेंट सिचुएशन में कहीं भी स्टक हो, कहीं भी फंसे हुए हो, या कुछ भी चीज़ें अभी आपके साथ चल रही हैं, है ना, अब आप नेक्स्ट जानना चाहते हो कि भाई ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी करेंट सिचुएशन के लिए, क्या कुछ आप लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। लेट्स सी क्या गाइडेंस आती है, क्या एडवाइस आती है आप लोगों के लिए। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करूँगी, जस्ट मैं ओपन होकर यहाँ पे मैसेजेस को रीड करूँगी। सो मैंने आप लोगों के सामने आज दो ग्रुप्स रखे हुए हैं, ठीक है। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे काली माँ एंड साथ में है यहाँ पे रेड जेस्पर एंजल, ओके। एंड ग्रुप नंबर टू के लिए है यहाँ पे राधा रानी। मैं हमेशा इन्हें राधा रानी ही बोलती हूँ और मेरे मुँह से ऐसे ही निकलता है। एंड साथ में है यहाँ पे सोडा लाइट की एंजल, ओके। सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और इस रीडिंग में आप जिनकी भी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। देखो यहाँ पे मैटर ऐसा नहीं होता है कि आप किसी एक को चूज़ कर रहे हो, लेकिन आप किन की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो आपको बस ये देखना होता है। और अगर आप यहाँ पे चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंजल्स भी रखे हुए हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो। ओके, सो गाइज एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। टाइम स्टैम्प्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो वहाँ से जाके आप लोग आपकी रीडिंग देख सकते हो। सो अभी हम ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने काली माँ का कार्ड एंड साथ में रेड जेस्पर एंजल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं परमात्मा का, ईश्वर का आप लोग के लिए दिव्य संदेश क्या है, वो आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। सो ये काली माँ के ब्यूटीफुल से कार्ड को, एनर्जी को, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, इट्स जस्ट लाइक किसी तरीके से ना हार्ड टाइम जैसे कहते हैं ना, किसी इंसान के जीवन में जैसे चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं और कई सारी तरफ से यू नो मुझे ऐसा फील हो रहा है, कई सारी तरफ से यू नो आप जैसे प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जस्ट आपको चाहिए भाई, क्यों ये आप अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हो, फेड अप नज़र आ रहे हो और बस अब ये जानना चाहते हो कि कैसे इन सारी चीज़ों से मैं बाहर निकलूँ, है ना, कैसे मेरी लाइफ एक नॉर्मल हो, एक नॉर्मल पाथ पे आए, मैं जो चाहता हूँ चाहती हूँ वो कर पाऊँ, ये सब कुछ मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैसेज ये है कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, हिम्मत रखिए भाई, हिम्मत रखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी। एंड जो भी कुछ पास्ट में चला है उसकी वजह से आपके अंदर की जो फायर है ना वो बुझ सी गई है, जिंदगी को जीना आप लोग भूल से गए हो, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं भाई क्या मैसेजेस हैं ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, सेवन चक्रा, ओके। सो पता है यहाँ पे आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट की कभी भी खुद को अकेला नहीं समझे, है ना, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, बिकॉज से कहीं ना कहीं वो आपका ही कर्मा था, है ना, आप ही अपना कर्मा रिलीज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या है कि ईश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा, ईश्वर ने हमेशा आपका, जैसे कहते हैं ना कि वो हाथ थामे रखा है, तो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। आप लोग डीप इनसाइड यू नो बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, भरोसा करते होंगे, विश्वास करते होंगे एंड ये जो भी कुछ यहाँ पे, जो भी अभी फेज आप लोगों की लाइफ में चल रहा है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों की बहुत है। यू नो अगर आप हेल्थ रिलेटेड इशू है या कुछ भी इशू है, यहाँ पे आप खुद को
उन प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए ना आप खुद को हील करना स्टार्ट करोगे, और जब खुद को हील करना स्टार्ट करोगे एक अलग ही अनएक्सपेक्टेड वे में, यहाँ पे मैं आपकी देख रही हूँ कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल पाथ पे आप लोग आ जाओगे। एंड जैसे मंत्रास चैंटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें यू नो पूरा आपकी लाइफ में जैसे इंक्लूड होने वाली हैं, ये मैं फील कर पा रही हूँ। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ चक्रा का कार्ड है जो कि थ्रोट चक्रा रहता है। सो मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर देखती हूँ। ऑप्शन टू, मैन होल्डिंग ए हार्ट, अटैचमेंट। डॉटर रोमांस। सो आपके अटैचमेंट की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है ना? आप लोगों से बहुत जल्दी शायद अटैच हो जाते हो, घुलने मिलने लग जाते हो, और फिर आपको लोगों की तरफ से ही डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, परेशानियाँ मिलती हैं। अभी देखो यहाँ पे क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मुझे बहुत सारा ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए जो मैसेजेस हैं मैं यहाँ पे वो कवर करती हूँ। सो यहाँ पे वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे डिवाइन की तरफ से कि प्लीज़ अपनी बात को कहना सीखें। आप जो अपने मन की बातों को अपने दिल में दबाते जाते हो या गलत चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए जाते हो ना, उसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस यू नो क्रिएट हो जाते हैं। पास्ट के भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस आप लोगों के अंदर हैं, क्योंकि आप लोग ना कह नहीं पाते होंगे, आप लोग के मन में, आप लोग दिमाग में मतलब सोचते रहते होंगे मन में कि ऐसे कहेंगे ऐसे कहेंगे ऐसे कहेंगे, जब सामने जाते होंगे कुछ नहीं बोल पाते होंगे। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करो और अपनी बातों को कहना सीखो। अब ये आपको खुद ही सीखना पड़ेगा डियर, अपने थ्रोट चक्रा को हील करो यहाँ पे, ठीक है? एमेथिस्ट या फिर सोडा लाइट, ठीक है, ये दोनों क्रिस्टल को आप वेयर करो, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपके थ्रोट चक्रा के लिए, आपके थर्ड आई चक्रा के लिए, आपके क्राउन चक्रा के लिए, तीनों ही जो अपर चक्राज होते हैं ना वो आप लोगों के बैलेंस होंगे, ठीक है? इसके साथ साथ यहाँ पे वुमैन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज आपके लिए दे रहा है कि प्लीज़ जो भी विश आपको लगता है कि आप पूरी नहीं कर पाए, अपने सपनों पे, अपने ड्रीम्स पे गिव अप ना करें, दोबारा से एक कदम बढ़ाएं अपने सपनों की तरफ, हिम्मत रखें, सब्र रखें, और जो भी आपके सपने हैं ना वो ज़रूर पूरे होंगे, आप जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपके दिल की ख्वाहिश यहाँ पे जो है वो पूरी होगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना आपसे छूटेंगी भी, ये भी चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सो खुद को ना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? इसके साथ में यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। सो ये कह रहा है दो टू रोमांस के साथ कि भाई प्यार करो लेकिन अटैचमेंट नहीं रखो। अभी जैसे घर में यू नो कोई पैट रखते हैं, अब कितना अटैचमेंट हो जाता है ना? और फिर जब वो पैट अगर दूर हो किसी भी रीज़न की वजह से तो कितनी तकलीफ होती है। मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। सो हमें प्यार करना चाहिए लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो प्यार करना सीखो, अटैचमेंट नहीं। एंड साथ में यहाँ पे ये भी मैसेज है आप लोगों के लिए कि रिलेशनशिप हीलिंग बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। लव लाइफ हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, सेल्फ लव, इन एनर्जीज में आप लोग टैप इन करने वाले हो, ठीक है? चलिए अभी कान्हा जी की तरफ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन फर्स्ट। डेथ, एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस, सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज पास्ट इवेंट, फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी, ट्रीट जॉय एंड सोरो इन द सेम वे, डेथ एंड ए न्यू बिगनिंग। यहाँ पे देखो ये कहा जा रहा है कि जब हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है, सपोज एक मूवी चल रही है आप लोगों के सामने, है ना, आपको पता है कि ये सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी हॉरर है तो डर लगने लग जाएगा, कोई इमोशनल सीन आ गया, कोई मर गया, कोई छोड़ के चला गया, तो बहुत सारे लोग रोने लग जाते हैं, इवन मैं भी बहुत इमोशनल हूँ उनमें से। लेकिन वहाँ पे जस्ट हम देख रहे हैं और हमें पता है कि ये सामने जो कुछ भी चल रहा है ये रियलिटी नहीं है, तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ में भी जो कुछ चल रहा है ना, आप एक ऑब्जर्वर बन के उसको देखें, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यू नो टॉपिक है, इस चीज़ को मैंने बहुत टाइम तक मैंने समझा, इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। और कभी कभी हम अगर अपनी लाइफ के जर्नी को भी देखें ना तो वो ऐसे ही है मतलब इंसान एक जन्म लेता है,
वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वो, फिर दूसरा न जाने कितने जन्म इस तरीके से होते रहते हैं, वापस वही लोग मिलते रहते हैं, कुछ नए लोग भी जुड़ते रहते हैं, और हम ऐसे रोते हैं इसने मेरे साथ चीट कर दिया, इसने मेरा पैसा ले लिया, इसने मेरा पैसा मुझे वापस नहीं किया। भाई घूम फिर के तुम वहीं आ रहे हो, है ना? सो जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। भगवत गीता का पाठ करो आप लोग, आपको वहाँ से बहुत यू नो बहुत कुछ समझने को मिलेगा, आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पे जाओगे, ठीक है? यहाँ पे सी, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ए हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईश्वर है ना, भगवान है, उन्हें कभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे, तुम्हारे पैसे से उन्हें मतलब नहीं है कि तुम उन्हें कितना कीमती गिफ्ट दे रहे हो, लेकिन तुम उन्हें किस भावना से दे रहे हो ना, उससे उनको प्यार है ना? तो वही यहाँ पे यू नो मुझे भक्ति का कार्ड आप लोग के लिए नज़र आ रहा है कि आप जो स्पिरिचुअल पाथ पे निकलने वाले हो ना, बहुत ज़्यादा जो ट्रू डिवोशन होता है, जो भक्ति होती है, जो विश्वास होती है, आप लोग उसको एक्सपीरियंस करने वाले हो। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारे लोग यहाँ पे कान्हा जी के भक्त हो सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। न्यू बिगनिंग, लेट गो ऑफ दी ओल्ड, वेलकम दी न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबली ऑन इट्स वे। तो यहाँ पे भाई जो कुछ भी हो रहा है एक नई शुरुआत के लिए हो रहा है, जो भी कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ भी छूट रहा है, कुछ भी जा रहा है, उसको जाने दो, है ना? आप बस यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि विश्वास रखो, फेथ रखो, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये लाइफ का एक प्रोसेस है डियर, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना? ये लाइफ का एक प्रोसेस है और ये सबकी लाइफ में है। और इवन अगर आप जैसे यू नो आपने रामायण देखी होगी, आपने भगवान जी की स्टोरी सुनी होंगी, तो उन उनकी में नहीं थे क्या प्रॉब्लम? वहाँ पे दर्द नहीं था क्या? उन लोगों ने नहीं सही क्या दिक्कतें? सब कुछ अच्छा था क्या? नहीं। तो ये जीवन है तो भाई सब कुछ रहेगा, प्रॉब्लम्स भी रहेगी, हंसी भी रहेगी, खुशी, दुख, प्यार, तकलीफ, छूटना, सब सब कुछ एक्सपीरियंस आप करोगे, और यही मतलब एक ट्रुथ है लाइफ का, ठीक है? लेकिन हम हर चीज़ से बहुत अटैच हो जाते हैं, और यही ये जो मोह होता है ना, यही दर्द देता है। मास्टर सती, ओके, दियास, इन्फिनिट सप्लाई, सो अगर परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है ना, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के, जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है आप सबको नहीं बदल सकते, आप सबको नहीं समझा सकते, सब लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकते, है ना? सो यहाँ पे अपने अपने जीवन में आप थोड़े से बदलाव लेके आए, ठीक है? अपना रूटीन चेंज करें आप, यू नो अभी आप फालतू रहोगे, आप रहोगे तो जैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, बात बात में वही बात रिपीट हो रही है। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपना जो ध्यान है, अपनी जो एनर्जीज है, वो किसी क्रिएटिव क्रिएटिविटी की तरफ आप लगा दो, ठीक है? जो भी करना आपको पसंद है, आपका जो भी फ्री टाइम रहता है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपको कुछ स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, आपको कुछ भी क्रिएटिव नया क्रिएट करना अच्छा लगता है, आप वो करो। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि डिवाइन हमेशा आपके साथ है, लेकिन कभी भी जो भी हमारा कुछ कार्मिक रहता है ना, जो भी प्रारब्ध रहता है, ईश्वर उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो बस आपको शक्ति देते हैं, आपको हिम्मत देते हैं कि आप उस सिचुएशन से निकल जाएं। एंड बहुत बारी तो यू नो आप डिवाइन की प्रेजेंस को अपने अराउंड फील कर पाओगे। ऑप्शन फर्स्ट, अब मैं बस और कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आप फील कर पाओगे, और ये जो भी कुछ हो रहा है ना, बस बहुत जल्दी आपके यू नो आपके अंदर, जैसे मैं चेंज फील कर पा रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बाहरी दुनिया में बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन आपके अंदर, आपके सोचने के, आपके समझने के तरीके में चेंज आ रहा है, आपको सिचुएशन जो भी है उसको देखने के तरीके में चेंज आ रहा है। सो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए है। चलिए यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। कुछ लोग अगर अपने पेरेंट्स को, आई डोंट नो, अगर दोषी मानते हैं किसी चीज के लिए, कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया मेरे साथ, या
आई डोंट नो, बट अगर कुछ भी ऐसा है तो यहाँ पे कहा जा रहा है माफ़ कर दो। एंड इवन पेरेंट्स ही नहीं, अगर कुछ लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, झूठ बोला, किसी ने चीट भी किया है, बिट्रेयल वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप रोशनी के रास्ते पे हो, रोशनी के पथ पे हो, ठीक है। आप आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं ना जिनके अंदर डिवाइन का एसेंस होता है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग कहीं ना कहीं वो हो, तो माफ़ यू नो यहाँ पे कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो, अपने दिल के ऊपर से ये बोझ को हटा दो सॉरी। एंड जब ये हटा दोगे ना तो बहुत कुछ जो ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों की लाइफ में वो अपने आप हट जाएंगे। तो किसी के लिए भी कभी ऐसे मत बोलना कि इसका भी बुरा होगा तो इसको पता चलेगा, इसने जो मेरे साथ किया है, मुझे पता है जब तकलीफ़ होती है तो ऐसी चीज़ें मन में आती हैं क्योंकि हम भुगत रहे हैं, हमें पेन हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो, ठीक है। माफ़ करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत हेल्पफुल नेचर के होंगे, बहुत सारे लोग हीलर भी होंगे। और ये मैसेज रिपीटेडली मेरी रीडिंग में आ रहा है, इट जस्ट लाइक बहुत सारे रेकी हीलर्स हो गए, क्रिस्टल हीलर्स हो गए, वो आके मुझसे कनेक्टेड हैं और जस्ट ये रीडिंग्स देख रहे हैं, लेकिन हीलर होते भी हैं तो भाई अपनी लाइफ में प्रॉब्लम तो सबके ही रहती हैं। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, लेकिन इसको ना अपना ड्रॉबैक नहीं मानना, इसको ये नहीं मानना कि भगवान ने मुझे ऐसे क्यों बनाया, ईश्वर ने मुझे ऐसे क्यों बनाया। आप सेंसिटिव हो ना इसीलिए मैं बताऊँ तो आप सच्चे दिल से भक्ति भी कर पाओगे, आप ईश्वर की पूजा भी कर पाओगे, आप ईश्वर से प्रेम भी कर पाओगे, है ना। सो यहाँ पे थोड़ा सा कहा जा रहा है रिट्रीट मोड में जाने को, थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाली यहाँ पे एनर्जी है कि खुद को अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट करिए। इसके लिए आप कहीं घूमने चले जाइए, जो आपको करना अच्छा लगता है आप वो करिए, अपने काम से थोड़ा सा गैप लीजिए, है ना, अपनी हीलिंग करिए। तो जो भी कुछ आपको करना अच्छा लगता है वो यहाँ पे मैं कहूँगी कि करिए, ठीक है ना। जैसे एक्सरसाइज करना अच्छा लग रहा है या कुछ भी, भाई मैं ऐसे कुछ भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो भी कुछ सॉन्ग सुनना अच्छा लग रहा है, डांस करना अच्छा लग रहा है, वो सारी चीज़ें करिए, ठीक है। अपना थोड़ा सा ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। बिकॉज से मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत सारे लोगों की बॉडी में यहाँ पे वीकनेस रहती है, सो आपको थोड़ा सा अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ अपने बहुत सारे लोगों में यहाँ पे कैल्शियम, किसी वाइटामिन की ऐसा भी रह सकता है कि डेफिशिएंसी हो, तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। इन सम केसेस कुछ को बॉडी पेन रहता है, कुछ को जॉइंट्स पेन रहता है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए, ओके। यहाँ पे मर्करी का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हियर्ड। एंड यहाँ पे अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, जो ये कह रहा है कि प्लीज़ अपनी बातों को कहना सीखो, ठीक है। अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ भी है तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि तरीके से जाके उनको बोल दो और उनको माफ़ कर दो। अगर अपने दिल में ही कुड़ते रहोगे, इसने ऐसे किया, इसको तब बताएंगे, इसको जब बताएंगे, तो आपके लिए ही वो प्रॉब्लम रहेगी, है ना। आपका ध्यान कहीं और नहीं लगेगा, वो बोझ सा आपके दिल पे बना रहेगा। सो वो बोझ यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिनको पेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा लगता हो, या फिर से आपको किसी मंदिर हो गया, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी जाके आपको बड़ा अच्छा लगता हो, आपको बड़ी शांति फील होती हो, या नेचर के साथ आपको कनेक्ट करके बड़ा अच्छा लगता हो, तो आप वहाँ पर जाइए, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी के इरादों को नहीं समझ पा रहे हो, किसी की इंटेंशन क्या है, तो ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड ये भी कह रहा है कि क्लियर कट बात कर लें, ना तो खुद उसमें दुविधा से में रहे, ना सामने वाले को रखे, ठीक है। कोई भी डील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्लियर कट पे में बात कर लो, ठीक है। लुक फॉर ए साइन, तो यहाँ पे भाई ईश्वर की तरफ से मैसेज है कि आपको साइंस मिल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू मिल रहे हो, या फिर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हो। देखो सारे ही मेरे पास मैसेज आते हैं, मैम हमें ये एंजल नंबर दिख रहा है, इसका मीनिंग बताएं, मैम ये दिख रहा है, इसका मीनिंग बताएं, एंड इस तरीके से सबको बताना पॉसिबल नहीं होता है।
आप लोग गूगल करो, गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, आपको बुक्स भी मिल जाएंगी इसके इसके पर्पस से। आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा मेहनत करा करो। हाँ, इफ़ यू बिलीव, तो यहाँ पे भाई पूरा बिलीव सिस्टम आप लोगों का काम करेगा। एंड ऐसे कहा जाता है, आप कोई भी रेमेडी कर रहे हो, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो ताकत काम करती है वो है आपका बिलीव, आपका फेथ, कि आपका फेथ कितना है। अब कोई भी रेमेडी कर लो, ठीक है ना, मैं जैसे हॉरोस्कोप एनालिसिस भी करती हूँ, तो मैं लोगों को बताती हूँ आप ये रेमेडी कर लो, आप ये रेमेडी कर लो, जब तक उस रेमेडी में उनका फेथ नहीं होगा, कोई रेमेडी वर्क नहीं करेगी। जब तक ये क्रिस्टल भी है ना, जब तक इस क्रिस्टल में आपका फेथ नहीं होगा, ये भी वर्क नहीं करेगा। आपका फेथ होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास पे भाई दुनिया कायम है। कहते हैं ना कि ईश्वर को मानो तो है, नहीं मानो तो पत्थर की मूरत है, तो वैसा ही है यहाँ पे। आप लोग प्लीज़ ऑप्शन फर्स्ट मेडिटेशन ज़रूर करना, मेडिटेशन आप लोग के लिए बहुत 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 ज़रूरी रहेगा। एंड आने वाले टाइम में आप काफ़ी कुछ चीज़ें फील करने वाले हो, एनर्जी बेसिस आप लोग अपने अराउंड हो सकता है, एंजल प्रेजेंस को फील करो, या कुछ आपको सर्टेन स्पेसिफिक ड्रीम्स आए, या फिर जैसे मैंने कहा एंजल की तरफ से आपको साइन मिले, तो उसका मतलब भी समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे आपसे ईश्वर क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। सो मेडिटेशन ज़रूर करना, ठीक है। और अगर किसी तरीके से क्रिस्टल्स आपके पास हों तो उनके साथ ज़रूर करना, वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, एंड साथ में यहाँ पे आप लोग चाहें तो कार्नेलियन का ब्रेसलेट आप लोग वेयर कर सकते हो। सी ये है कार्नेलियन, मैं दिखा देती हूँ। कार्नेलियन आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपको वो करेज देगा, आपको वो मोटिवेशन देगा, एंड ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है, ये आपको एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। सो आप इसके साथ जा सकते हो। एंड यहाँ पे यस का कार्ड आया है, सो यस। तो यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन था आप लोगों के मन में, उसके लिए यहाँ पे यस है, खुश हो जाओ अभी, ठीक है। अब बस एक स्माइल के साथ अभी इस रीडिंग से आप लोगों को जाना है, ईश्वर को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, और बस अपने आप को हील करने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की डेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने राधा रानी का कार्ड एंड साथ में सोडा लाइट के एंजल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं परमात्मा का, ईश्वर का आप लोगों के लिए दिव्य संदेश क्या है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। सो ये एंजल एंड कार्ड साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, गाइडेंस, एडवाइस। ऑप्शन टू, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा अलग रखूंगी। ऑप्शन टू, ये नहीं आनी है, को भी देख लेते हैं। सिक्स चक्रा, ओके, कॉन्ट्रैक्ट, थिंकिंग मैन, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक। ऑप्शन टू, यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग सही रास्ते पे हो, सबसे पहले तो, ठीक है, आप लोग जिस भी वर्क फील्ड में हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अपने डिसीजंस के ऊपर डाउट नहीं करें, अपने ऊपर डाउट नहीं करें कि पता नहीं इतना हो पाएगा या नहीं, मैं अचीव कर पाऊँगा या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को, इन सारे बातों को अपने मन से यहाँ पे कहा जा रहा है कि निकाल फेंकें। एंड साथ में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज से ना आप लोगों के अंदर एक चीज़ है, आप लोग डिसीजन लेते हो,
आप लोग काम भी करते हो लेकिन डाउट भी आपके मन में रहता है। आप लोग शॉपिंग करने कहीं मार्केट में गए, अब आपको दो चीज़ें पसंद आ गई, अब आपको ये डाउट रहेगा ये लूँ या ये लूँ, ये लूँ या ये लूँ। फिर आप एक जो घर लेके भी आ जाओगे तो घर आके आपको लगेगा नहीं यार वो ज़्यादा अच्छा था, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करें, इंट्यूशन के ऊपर काम करें, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करें, और आप जब काम करोगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो भी अच्छी होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए जो है वो ये कि आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग की तरफ आ रही हैं, बहुत सारा काम आप लोग की तरफ आ रहा है, एंड वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी हो सकता है डिसीजन लेने पड़े, एक्शंस लेने पड़े। सो वो एनर्जी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म आप लोग के अंदर होना चाहिए। इसीलिए ही अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर भी काम करें, फिजिकली खुद को फिट बनाएं, मजबूत बनाएं, स्ट्रांग बनाएं, अच्छी डाइट लें। अच्छी डाइट का मैसेज ऑप्शन फर्स्ट में भी था और आप लोगों के लिए भी है। एंड सर्दियों का टाइम अपनी डाइट को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब ना हम लोग वो चीज़ें खा सकते हैं जो हमें होल ईयर पूरे साल काम में आए। सो प्लीज़ यहाँ पे अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखिए, अच्छे अच्छे विटामिन्स सब ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई सब में मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि आगे आपके पास बहुत काम रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं, तो उस वक्त आपको एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये कहा जा रहा है आप लोगों से कि प्लीज़ अपनी ना मैस्कुलिन और अपनी फैमिलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करें। समटाइम्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते होंगे, थक जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, एनजाइटी स्ट्रेस में आ जाते होंगे। तो अपने आप को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। अब वो कैसे बैलेंस करोगे, देखो पहली चीज़ तो मेडिटेशन मस्ट है ना, थर्ड आई चक्रा को भी अच्छा करना है तो मेडिटेशन तो भाई मस्ट है, कि इसके बिना तो कुछ है ही नहीं है आप लोगों का, है ना। तो मेडिटेशन आप लोगों को ज़रूर ज़रूर मतलब करना ही करना है। एंड सेकेंड थिंग, आप जब थोड़ा सा आगे पहुंच जाओ ना तो आप ये प्रेयर्स डाला करो मेडिटेशन करने के पहले कि लाइक मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ नहीं डालो, या फिर इस तरीके से डालो कि प्लीज़ भगवान जी मेरी एनर्जीज़ बैलेंस हो जाए, मेरे सेवन चक्र एनर्जीज़ बैलेंस हो जाए, मेरी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाए, प्लीज़ अपने वर्ड्स में प्रेयर करना प्लीज़। मैं इस तरीके से नहीं बोलना चाहती हूँ लेकिन प्रेयर्स करो मेडिटेशन करने के पहले, एफर्मेशंस तो डीप ब्रीदिंग करो उसके बाद मेडिटेशन करा करो, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड साथ में यहाँ पे फाइनेंशियली अगर से आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ भी यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग को कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। बिकॉज से जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं अगर वैसे ही चलती रहेंगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। फिर तो कुछ लोगों की यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि शादी में भी प्रॉब्लम आए, शादी होने में या शादी हो चुकी है तो प्रॉब्लम आए, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए। कुछ सोचो, कुछ सोचो, मतलब से चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, लेकिन से किस तरीके से आप अपनी सिचुएशन को अच्छा बना सकते हो ये सोचो। ये जो ताकत है ईश्वर ने वो आपके हाथ में छोड़ी है, ये जो ताकत है वो आपके आपके माइंड में है ना। सो इसीलिए ही अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करो, ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आप लोग सिट्रीन और एमिथिस क्रिस्टल अगर वेयर करोगे तो दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो चलिए अभी मैं कुछ और कार्ड देखती हूँ, यहाँ से देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो परेशान नहीं हुआ करो, ईश्वर की प्रोटेक्शन, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, है ना। लेकिन अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो बहुत अच्छी एनर्जीज है ना, लेकिन एक्शन तो हमें लेने होते हैं। अभी सपोज से खाना हमारे सामने आ गया, किसी ने परोस दिया, तो उसको हाथ से तो हमें ही खाना पड़ेगा ना, अपने आप तो नहीं चला जाएगा वो पेट में, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक्शन लो और अपने मन में से डाउट्स, अगेन डाउट्स को निकाल दो, ये किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, किसी की बुरी नज़र तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स को, बिलीव्स को अपने माइंड से निकाल दो। और अगर फिर भी लगता है तो ब्लैक टर्मलिन अपने पास रखो, ठीक है, और जस्ट इसको लेके हाथ में बोलो मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं ईश्वर की ब्लेसिंग से
मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा परिवार प्रोटेक्टेड है, मेरा काम प्रोटेक्टेड है, मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं संपन्न हूँ। इस तरीके से एफर्मेशन दो। ओके, देखो एफर्मेशन अपनी जो होती है ना, वही सबसे ज़्यादा वर्क करती है जो मैंने देखा है। अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपकी मदर टंग हो ना, उसमें एफर्मेशन को देना, लिखी लिखाई, सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई एफर्मेशन इतनी जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं उतरती है ना। सो एफर्मेशन उस वे में देना जो आपका बोल चाल का ढंग हो, जो आपका खुद से बात करने का ढंग हो। ओके, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस, सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज ए पास्ट स्पेंट। फोकस ऑन द टोटैलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी, ट्रीट जॉय एंड सॉरो इन द सेम वे डेथ एंड ए न्यू बिगनिंग। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेना ऑप्शन फर्स्ट, और इस कार्ड को बार बार रीड करना। बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। लाइक जो भी सिचुएशन फिलहाल हमारी लाइफ में, चाहे खुशी है चाहे दुख है, ये एक तरीके से हम पहले लिखवा चुके हैं, है ना। बहुत कुछ हमारे हाथ में भी होता है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी अपने जीवन की इस जर्नी को ना पार्टिसिपेंट की तरीके से नहीं देखो, ऑब्जर्वर की तरफ से देखो। ठीक है, कि ये जो कुछ भी हो रहा है भाई, ईश्वर की लीला है, वो कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, आप अपने कर्म करो, ठीक है ना, और हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। डेथ का कार्ड है, सो किसी तरीके की एंडिंग है आप लोगों की लाइफ में, कुछ चीज़ों की एंडिंग है यहाँ पे, एंड कुछ न्यू बिगनिंग भी है। ओके, सो यहाँ पे कार्ड है पे टाइम। यू रीप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक टू योर टाइम एंड अगेन यू हैव टू पे फॉर योर डीड। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई जैसे बीज बोओगे वैसे ही फसल काटोगे, तो यहाँ पे जो जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठोगे तो फिर निराशा ही मिलेगी, फिर डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। इसलिए ये समय जो है वो कुछ करने का है। अभी जब एक बीज बोते हैं ना, उसको बड़ा होने में बहुत समय लगता है ना। अब आपने एक बीज लगाया, उसको डेली कुरेद को देखो, बड़ा हुआ कि नहीं, फिर करे दो, बड़ा हुआ कि नहीं, तो वो कभी बन पाएगा नहीं। जब हमने यूनिवर्स के सामने अपनी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन रख दिया, हमने अपनी कोई विश रख दी, तो उसको पूरा होने का समय दो। डेली अगर आप ये कहते रहोगे ना, आज तो नहीं हुआ, आज तो नहीं हुआ, तो मतलब आप क्या हुआ, आप उसको कुरेद रहे हो, आप डाउट डाल रहे हो वहाँ पे, तो वो नहीं होगा पूरा। पेशेंस रखना पड़ता है ना। सो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ वो थोड़ा सा ये। सो अभी यहाँ पे हम कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे। ऑप्शन टू, आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। ऑप्शन टू, आप लोग अच्छी बुक्स पढ़ो। ऑप्शन टू, कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, कुछ अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ो। और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई बुक चैनल हो रही हो, बहुत टाइम से उनके सामने आ रही हो, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है। दिशे की ना, सीक्रेट सेल्फ अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट डांस टू दी सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि ज़िंदगी आपको मौके देगी बहुत कुछ करने के, बहुत कुछ सीखने के, बहुत कुछ समझने के। तो जो भी सिचुएशन आपके सामने आए ना, जस्ट ये सोचना कि ये सिचुएशन मुझे कुछ सिखा कर जाएगी, यहाँ पे मेरी ही कोई ना कोई ग्रोथ होगी, यहाँ पे मैं ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो पाऊँगा, यहाँ पे मैं ही अपने आप से और ज़्यादा रूबरू हो पाऊँगा, अपने आप को समझ पाऊँगा। तो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और फिर आप देखना कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आप लोगों के साथ हैं, आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप बिना आप यूनिवर्स से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, अभी आप बाहरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, परेशान नहीं होना है और जल्दीबाजी भी नहीं मचानी है। मेडिटेशन डेली करना। कमांडर स्टार कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी अपनी जो भी आपकी करंट सिचुएशन हो ना, अगर आप किसी के भरोसे बैठे हो, अभी उसका चार्ज आप लो, अपने हाथ में लो, उसकी कमांड आप अपने हाथ में लो और उसी चीज़ पे एक्शन लो। आपको यहाँ पे एक्शन एक्शन लेने के लिए बार बार ही बोला जा रहा है ना। तो वेट करोगे, जैसे मैंने कहा, सब्र कर, मतलब सोचते रहोगे, एक्शन नहीं लोगे,
वेट करना, देखो समटाइम हमें पेशेंस भी रखना पड़ता है, पर जहाँ एक्शन लेने हैं वहाँ एक्शन लेना भी ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद लॉ ऑफ एक्शन आता है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। पॉल दी वेनेशियन एक्सपीरियंसिंग ग्रेस शेयर योर गिफ्ट्स। यहाँ पे भी बात कही गई है एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो यहाँ पे भाई जो भी आपके पास यू नो गॉड गिफ्ट्स हैं, कुछ भी चीज़ें आप बहुत अच्छे से करते हो, आप लोग की भाई आवाज़ बहुत अच्छी है फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बड़ी अच्छी सिंगिंग करते हो, तो जो भी आपके पास ऐसा कोई गॉड गिफ्ट है ना, उसको ग्रेस के साथ लोगों के साथ शेयर करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। आपको नेचुरली डांस बड़ा अच्छा आता है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर लेते हो, कुछ ऐसा ही अगर कुछ आपके साथ भी है तो उसको शेयर करो। आपकी आवाज़ मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेयर करो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, किसी ना किसी तरीके से इंस्पिरेशन आप लोगों के पास आ रही है। अगर से आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए ना जहाँ पे आपको अपने जो भी कुछ है अपने आपको शेयर करने का मौका मिले, आपको बोलने का मौका मिले, अपने आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, उसको हाथ से जाने नहीं देना। मेरी बात को लिख लेना, ठीक है। ट्रू लव द रोमांटिक स्ट्रिंग इन योर हार्ट हैव टू पेल द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि आप जितने डेडिकेटेड हो, आप जितने प्यारे हो, तो मतलब ना यूनिवर्स भी अभी मजबूर हो गए हैं आपके जीवन में प्यार को भेजने के लिए, लेकिन प्यार ये जो है ये अपने आप आ जाएगा। आपको बस अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है, ठीक है ना। परेशान नहीं होना, अगेन और अगेन पता है मेरे मुंह से यही निकल रहा है, परेशान नहीं होना, बिकॉज यही मैसेज मिल रहा है, परेशान नहीं हो, ठीक है। पीस, देयर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। देख लो देख लो, मैं कह रही हूँ परेशान नहीं हो ना, और भी देखो मैसेज में भी यही आ रहा है कि परेशान नहीं होना। बिल्कुल भी परेशान होने की भाई आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, है ना, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ये बड़े मतलब जोश के साथ कार्ड आ रहे हैं, प्योरिफिकेशन, इट इज़ अ टाइम फॉर ए क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो भाई अपने थॉट्स को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है आप लोगों को, कुछ थॉट्स आपके काम के नहीं हैं, कुछ चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, लेकिन आपके ब्रेन में वो भर गई हैं, तो वहाँ से उनको डिटॉक्स करो, ठीक है। बॉडी को डिटॉक्स करो, इसके लिए आप कुछ फास्टिंग वगैरह कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, इसके साथ में है मकाली का कार्ड, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, अरे वहाँ पे भी था The old must be released so that the new can enter. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप अपने न्यू वर्जन में आना चाहते हो, न्यू एनर्जीज में टैप इन करना चाहते हो, तो पुरानी चीज़ों को जाने दो, ठीक है, अपने न्यू मतलब अपने नए अवतार में आने के लिए, ठीक है ना। सो यहाँ से मैं लास्टली देख लेती हूँ ऑप्शन टू क्या गाइडेंस है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, द सिचुएशन भाई अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, आप रोशनी की तरफ बढ़ते रहो, ठीक है। ये मत देखो कि अंधेरा कितना है, लेकिन जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है आप बस उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ते रहो। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर कुछ लोगों को हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो यहाँ पे उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है, चाहे मेंटल हेल्थ हो चाहे इमोशनल हेल्थ हो, ठीक है। या फिर से ये भी हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो इम्प्रूव करने के लिए। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो भाई, ये कहा जा रहा है जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मैंने बोला ना सिट्रीन एंड एमिथिस्ट आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा यू नो ऐसा रहता है, जब साथ में होते हैं तो वो पॉजिटिव बहुत रखते हैं इंसान को, ठीक है। सो पॉजिटिव रहना है भाई, अच्छा सोचना है, अच्छा खाना पीना है, अपना ख्याल रखना है। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन टू, आई होप आपको अच्छी लगी हो, कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।